करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज होने लगा है नया ब्लॉग स्टार्ट, मैं कर रही हूँ। तो मैं कर रही हूँ कढ़ाई जो करते हैं आरी के साथ, तो मैं आरी के साथ कढ़ाई कर रही हूँ। ये डेली कढ़ाई है, फिर इसमें आरी करके इसमें सलमा लगता है। तो मैं ये काम करती हूँ घर में और फिर ब्लॉग भी बनाती हूँ कि शायद आप लोग मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरे ब्लॉग को ज़्यादा लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, तो आप मुझे बताएँ। और साथ में काफी सफाई, क्योंकि जब मैं देखकर काम करती हूँ तो मुझे सफाई लानी चाहिए, तो मैं सफाई जरूर खाती हूँ। तुलसी बहुत अच्छी होती है, इसमें सौंफ ज्यादा होती है, जायका भी अच्छा होता है। तो अगर बीज है मेरी इसलिए मैं लगाती हूँ। चश्मा आरी के लिए देखे, मैं आरी कर रही हूँ। तो बीज से देखे आप आकर, तो आरी 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 कर रही हूँ आरी। तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट अभी किया है, 3 साल के बाद मैं काम शुरू कर रही हूँ। तो हाल अभी मेरा स्लो है और कोई भी काम नहीं कर रही ज़्यादा से। कल भी मैं कर रही थी तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं जो है काम घर में रहकर क्या करती हूँ। मेरी बहुत काम किया है अपने घर में, काम करके अपने घर बार बनाया है। और अब फिर मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा मेरी बच्चे खाली रहती थी तो काम ही कर लूँ, खाली रहें तो कुछ हासिल नहीं है। इसलिए मेहनत करें, ज़्यादा मेहनत करें। ये देखिए जी, मैं ये देखिए आरी कर रही हूँ। ये रेशम की आरी है, किले की भी आरी होती है। हम फ्रॉक वगैरह पे सब पे आरी करते हैं, लहंगे वगैरह पे भी करते हैं। लेकिन पहले ये था कि मेरी बेटी साथ होती थी तो हम लोग सलमा करते थे, आरी नहीं करते थे। और अब मैं सलमा अकेली हूँ तो इसलिए सलमा उससे नहीं होगा, क्योंकि सलमा होता है भारी। तो मैंने सोचा चले आरी शुरू कर लेते हैं, तो ये आरी हो रही है। फिर इसके ऊपर सलमे का काम होना है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अगर किसी ने बनवाना है, ऑर्डर देना है, तो हमें ऑर्डर दें और हम करेंगे काम। कपड़े भी सिलाई कर लेती हूँ, अगर किसी ने सिलवाने हैं तो वो सिलवा सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉल करें और बनाएं मुझे भी अपने यूट्यूब का हिस्सा, और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे से कमेंट्स दें। आप ढेर सारा प्यार दें हमें। और हमारी जो हेल्प है, हमारे भाई हैं वकील मुगल, वो बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। माशाल्लाह वो तो वैसे ही उसमें कामयाब हो रहे हैं, अब कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी कामयाब हो जाऊँ। तो अल्लाह करे उनकी कोशिश और हमारी मेहनत रंग ले आए, भाई हम भी मेहनत कर रहे हैं। तो ये है कि अच्छे से काम करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे आपको मक्तल पर मक्तल दिखाते रहे। तो पहले मैं सिलाई करती हूँ, क्योंकि अड्डा मुझे अभी अभी मिला है काम के लिए। तो अब मिलाती है कपड़े, जरा मेरे जो मैंने अपने कपड़े सिए उनमें से पीस बचते थे, तो मैंने कहा चले बच्ची के बना लेते हैं, कुछ ज़ाया करें। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने बच्ची का फ्रॉक देखे, ये बनाया एयर लाइन शर्ट बनाई है, पीस बच गए थे और बचे हुए पीसों में देखे ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह। ये बैक साइड है और ये फ्रंट है, फैंसी सूट है मेरा। उनका से लिया था, मेरे लाहौर से लेकर आई थी मैं। लाहौर वैसे तो हमारे जिला वाला में लाहौर से शॉपिंग करने आते हैं अक्सर, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो लाहौर से यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। लेकिन मुझे मैं ओलिका देख तो मुझे ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, मैंने फिर किया खरीदा। और इसमें से पीस बच गया तो मैंने अपनी मासी के बना दिए। गुजरा वालों में अड्डे का काम ज़्यादा इन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होता है, लहंगे मैक्सी साड़ियाँ फ्रॉक शर्टें कुर्तियाँ ये हर चीज़ यहाँ ओपन शर्टें भी तैयार होती हैं, बहुत लोग तैयार करवाते हैं। और जिसने करवाना है तो हमें इनबॉक्स में मैसेज करें, और अगर ऑर्डर देना है तो ऑर्डर देकर बनवा सकते हैं आप हमारे। तो आप हमें वहाँ रब्ता करें, फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे। क्योंकि मैं इंशाल्लाह देखें ज़रा कितनी सफाई से ये काम हुआ है, ज़बरदस्त। मैं सफाई से कपड़े सिलाई करती हूँ, जेंट्स भी सिलाई करती हूँ, लेडीज भी सिलाई करती हूँ। तो नज़र को साथ नहीं दे रही थी, मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब फिर ज़रूरत के तहत मैं काम कर रही हूँ, आई हूँ सिलाई पर भी और ये अड्डे के काम पर भी। ज़ाहिर घर के काम काज भी करने होते हैं, फिर बाइक के भी कोई काम करना होता है, क्योंकि शोर मेरे सुबह को जाते हैं काम पे और शाम को वापस आते हैं, बेटा भी ऐसे 5 बजे वापस आता है।
तो सारे काम करने पड़ते हैं मुझे, और मैं करती हूँ काम, मुझे काम करने का बहुत शौक है, लेकिन अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यूट्यूब पे कामयाब करे और मेरी आंखों में जो रोज है वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, क्योंकि थोड़ी नज़र का मसला हो रहा है, शुगर भी है, तो मेहनत कर रहे हैं और आप नहीं हमारे साथ होगी तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे और अल्लाह ने चाह जरूर होंगे। सब मेरे लिए दुआएँ कीजिएगा, मैं सबके लिए दुआएँ करूँगी इंशाल्लाह। हमारा साथ अल्लाह करे जब तक जिंदगी है तब तक रहेगा, क्योंकि मैं काम करती रहूँगी, आज नहीं तो कल, खुदा ने मेरे लिए कामयाबी रखी है तो मैं जरूर कामयाब होगी इंशाल्लाह। और सुनाएं कोई नई ताजी क्या हो रहा है आजकल आप लोगों के घर में, आज आप लोगों की फैमिली में। तो बेटा जो है मेरा आ गया स्कूल से, क्योंकि इसके सर जो है एकेडमी पढ़ाते थे, स्कूल में ही पढ़ाते, लेकिन माँ का रूल चेंज हो रहा है, वो बोल रहे हैं कभी कहते हैं आपने इन बच्चों को पढ़ाना तो आप बाहर जा सकते हैं, यहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो इसलिए बहुत दिन से छुट्टी इसकी चलती हो रही है, क्योंकि उन्हें जगह नहीं मिल रही है उनके लिए। अब वो अकेडमी में होते हैं और बच्चों के पेपर जो हैं लाइट बोर्ड के पेपर हैं नाइन्थ क्लास के, और उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं कि हमें अब मेहनत करनी है और हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो अल्लाह सबके बच्चों को कामयाब कर